नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केरकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और केरकर तुअनकर साइकेट्री नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि अलग अलग मानसिक बीमारियाँ हैं, उन अलग अलग मानसिक बीमारियों में हमें क्या क्या लक्षण मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लक्षणों के बारे में आपसे बात करूँगी, ताकि अगर खुद में या आपके आसपास कहीं भी आपको ऐसा लगे कि एखादा व्यक्ति इस मानसिक बीमारी से गुजर रहा है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसे आप साइकेट्रिस्ट के पास ले जा सके या उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाने की सलाह दे सके। अब इसमें क्या है कि जब पेशेंट या एखादा व्यक्ति साइकोलॉजिकली डाउन होता है या किसी तकलीफ से गुजर रहा होता है, मानसिक तकलीफ से, तो उसके चाल ढाल के साथ, उसके रहन सहन के साथ, उसके विचार सब कुछ बदलने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिप्रेशन का पेशेंट के बारे में बात किया जाए, तो उसमें उस व्यक्ति की चाल एकदम स्लो होती है, वो धीरे धीरे काम करता है, बात भी एकदम धीरे धीरे करता है। उसके ही उल्टा अगर मैनिया का पेशेंट है, यानी बहुत हर्षवायु जिसे बोलते हैं, तो वो व्यक्ति एकदम सीना तान के चलेगा, कॉन्फिडेंटली चलेगा, बात भी एकदम से कॉन्फिडेंटली करेगा, एक बार शुरू हो गया तो रुकेगा ही नहीं, उसको रोकना पड़ता है। या फिर OCD का पेशेंट है, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या फिर पैनिक फोबिया, वो बहुत एंग्शियस होते हैं, चलने में भी एंग्शियस होते हैं, बहुत अनइजी फील करते हैं, कंटिन्यूस उनके बातों से एंग्जाइटी हमको लगती है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें मिलते हैं। लेकिन अब मानसिक बीमारियों में मुख्य चार चीज़ें हमको देखनी होती है। एक तो है थॉट, दूसरा है परसेप्शन, तीसरा है बिहेवियर और चौथा है मूड। तो थॉट यानी हमारे विचार, हमारे विचार क्या है, कैसे कैसे अलग अलग मानसिक बीमारियों में हमारे विचार बदलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट है, तो उसके जो विचार होते हैं वो अपने ही विचारों में, यानी अपने सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होता है, उसके विचारों में कोई स्थिरता नहीं होती है, पूरे अस्थिर होते हैं, उसमें डेल्यूजन्स होते हैं, यानी फर्म बिलीफ होते हैं, जैसे डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंशियलिटी, परसिक्यूशन यानी कोई मुझे मारने आ रहा है, रेफरेंशियलिटी यानी कि मुझे ही देख के लोग बात कर रहे हैं, डेल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी यानी मेरी स्पाउस, वाइफ रहो या हस्बैंड, मुझे धोखा दे रहे हैं, किसके साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसा उनको लगता है। डिप्रेशन विद साइकोसिस होता है जिनको, उसमें डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म होता है, यानी उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं है, अकेला, यानी पूरा दुखी लगता है, तो ये डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म है। OCD का व्यक्ति होता है, उसके थॉट प्रोसेस में एक ही विचार कंटिन्यूस आते रहते हैं, वो एक ही विचार में बात करते रहता है और वो विचारों के ऊपर अमल करते रहता है। एंशियस लोग हैं, जैसे पैनिक है, फोबिया है, तो ऐसे लोगों का, जैसे फोबिया है, तो वो बाहर जाने से डरते हैं, उनको यही चिंता लगी रहती है कि बाहर कैसे जाऊं। और फिर जो पैनिक वाले लोग हैं, उनके दिमाग में यही रहता है कि अगर मुझे पैनिक अटैक आ गया तो मैं मर गया, तो यही विचार उनके दिमाग में रहते हैं। जो डिप्रेशन वाले हैं, उनके इसमें होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस रहता है, यानी कि उनको लगता है कि बस अब कुछ बचा नहीं है मेरे लाइफ में, मैं एकदम से असहाय हो गया हूँ, अकेला पड़ गया हूँ, तो ये चीज़ें डिप्रेशन में मिलती है। इसके साथ साथ दूसरा है परसेप्शन। परसेप्शन यानी जो हमारे इंद्रिय है, हमारे 6 इंद्रिय है, एक तो है आँखें जिससे हम देखते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं, बात करते हैं, टेस्ट जो हमारी टंग है, वो टेस्ट सेंसेशन है, वो एक इंद्रिय है, हमारी स्किन और हमारे कान, ये हमारे इंद्रिय हैं। अब ये इंद्रिय है, ये अगर हेलुसिनेशंस इसमें होते हैं, यानी हमारे आजू बाजू कुछ नहीं है लेकिन हमको लगता है कि हमारे आजू बाजू कुछ चल रहा है। हेलुसिनेशंस में क्या क्या होता है, तो आवाज़ें सुनाई देती है, कंटिन्यूस लोग बात कर रहे हैं, मुझे बात कर रहे हैं, अपने आप में झगड़ रहे हैं, मुझे कुछ कमांड कर रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। अल्कोहल में विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं,
यानी उनको लगता है कि सांप घूम रहे हैं, कोई मुझे मारने आ रहा है, लोग दौड़ रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। और टेस्ट सेंसेशंस, टेक्टाइल हेलुसिनेशंस होते हैं और बाकी दो तीन अलग अलग प्रकार के हेलुसिनेशंस हैं, लेकिन वो जनरली ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स में हेलुसिनेशंस ज़्यादा होते हैं। साइकेट्री यानी प्योर साइकेट्री वाले हेलुसिनेशंस मुख्यतः दो ही है। तीसरा है मूड, कि आपका मूड कैसा है। अलग अलग जो बीमारियां हैं मानसिक, उसमें अलग अलग प्रकार के मूड दिखते हैं। जैसे डिप्रेशन में निराशा, उदासीनता दिखती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। वैसे ही मैनिया में एक्साइटेड पेशेंट रहता है, बिल्कुल अपने आप को बहुत हैप्पी समझता है, उसका मूड एकदम अच्छा, एनर्जेटिक अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है मूड। और वही स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट को पूछे तो वो मिक्स रिएक्शंस देता है, बीच में बोलता है अच्छा लगता है, बीच में बोलता है खराब लगता है। ओसीडी वाला, फोबिया वाला पेशेंट है, उसका एंग्शियस मूड रहता है, कंटिन्यूस वो एंग्जाइटी एंग्जाइटी उसके मन में रहती है। तो ऐसा हो गया मूड, यानी दिन भर आपको कैसा लगता है, आपका मूड कैसा है। अगर पूछे तो आप दिन भर के बारे में बताओगे कि मेरा अच्छा मूड है, मेरा खराब मूड है, मेरा ठीक ठाक मूड है। चौथा है बिहेवियर, कि बीमारियों में बिहेवियर कैसा होता है। अगर स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट है तो उसका सेल्फ एब्जॉर्ब बिहेवियर होता है, वो पूरा डिटैच रहता है, उसका अपना ही कुछ तो भी अलग अलग चलता रहता है। डिप्रेशन का पेशेंट है, उसका बिहेवियर एकदम विड्रॉन होता है। मैनिया का पेशेंट है, वो एकदम फ्रेंडली बिहेवियर वाला होता है, ओवर फ्रेंडली होता है, बात करेगा, इधर उधर घूमेगा, कुछ एक्शंस करेगा। और ओसीडी वाले जो होते हैं वो बहुत रेस्टलेस होते हैं, कंटिन्यूस बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ तो भी अपने आप के बारे में बताएंगे, उनका बिहेवियर एंग्शियस होता है। तो ये था चारों, यानी ये जो मुख्य है, ये थॉट, मूड, बिहेवियर और हैलुस परसेप्शन, ये चार चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जब हम लक्षणों में देखते हैं साइकेट्री के। तो ये लक्षणों के हिसाब से फिर हम साइकेट्रिस्ट निदान करते हैं। तो ये वीडियो था, इसमें सब जानकारी थी कि क्या क्या लक्षण होते हैं अलग अलग बीमारियों में और किस लक्षणों के बलबूते पे निदान होता है। आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे केड़कर हॉस्पिटल के फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9503309619। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।